झुमो के जिला अध्यक्ष भारत रत्न यादव ने बाबा गरीबनाथ धाम में जल चढ़ाकर बाबा का आशीर्वाद लिया। साथ में चंदन कुमार राय, चुनु प्रसाद, अमित सिंह, विपुल कुमार पांडे एवं विशाल सिंह सहित अन्य युवा कार्यकर्ताओं ने युवा अध्यक्ष का गुलदस्ते से स्वागत एवं अभिनंदन किया। चुनाव है लोकसभा विधानसभा का 2024-25 में, इसको पूरा युवा मोर्चा का पूरा टीम के साथ हम लोग दोनों चुनाव में पूरे 11 विधानसभा और दोनों लोकसभा क्षेत्र पता करने का हम लोग काम करेंगे। और आज कौन कौन आए थे यहाँ बाबा का दर्शन में सदस्य? सब लोग हैं, हमारे युवा मोर्चा के जितने भी साथी हैं, भाई हैं, बड़े भाई छोटे भाई, सब लोग हम लोग आए हैं बाबा के दरबार में, खुशी का माहौल। परिचय बताइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत बेला औद्योगिक क्षेत्र में बैग क्लस्टर का भ्रमण कर जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान बैग क्लस्टर में निर्मित सामग्रियों के निर्माण प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। भ्रमण के क्रम में उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने बैग उत्पादन इकाई की प्रगति पर चल रही गतिविधियों के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत रूप से जानकारी दी। इस दौरान महिला उद्यमियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि कोरोना काल में हुए लॉकडाउन के कारण स्थिति काफी बिगड़ गई, अब धीरे धीरे स्थिति में सुधार हो रहा है। बैग उत्पादन इकाई में बड़ी संख्या में जीविका दीदियां काम कर रही हैं, इससे उनके परिवार में खुशहाली आई। ये जीविका समूह और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की देन है, जिससे कि बिहार में बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी उद्योग स्थापित करने में सफल हुई है। ये संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। राज्य सरकार की तरफ से उद्यमियों को हर संभव सहयोग मिल रहा है। महिला उद्यमियों ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन गुलदस्ता, प्रतीक चिन्ह एवं बैग भेंट कर किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने चिकित्सा कक्ष, रसोई घर, भोजन कक्ष आदि का जायजा लिया और पालना घर में छोटे छोटे बच्चों को खेल खेल में दी जा रही शिक्षा का भी अवलोकन किया। वहाँ पढ़ रहे बच्चों और शिक्षिकाओं से मुख्यमंत्री ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि बच्चे हमारे भविष्य हैं, इन्हें बेहतर ढंग से शिक्षा प्रदान करें ताकि वो बड़े होकर राज्य और देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा सके। बिहार में सब आदमी बतियावे के आदत बा, ए भैया शिक्षा सुधारी, ए भैया रोजगार होके के चाही, तो हमू कहतनी ए भैया रहो तो वोट शिक्षा रोजगार पर देवे के चाही। जब आप वोट दे ही नहीं रहे शिक्षा रोजगार पर, तो वो होगा कैसे? ये लोकतंत्र की ताकत है, जिस चीज पर भी आप वोट दीजिएगा, सही चाहे गलत, वो कम या ज्यादा अपने आप होने लगेगा जिसको दीजिएगा। अभी आप बता रहे थे कि कैसे चचा भतीजा लुटत रहो, जिस आरजेडी की सरकार ने 15 वर्ष में एक नौकरी नहीं दिया, आपको उदाहरण से बता रहे हैं, देखिए लोकतंत्र की कितनी ताकत है। उसी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमको, हम आ जाएंगे सरकार में तो 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। सबके मालूम है कि झूठ बोला है, फिर भी आज उसी तेजस्वी यादव को आदमी कम से कम पूछा था ना कि भाई कहले रहो 10 लाख नौकरी देवे के, कहिया देव? आरजेडी जैसे दल को भी बताना पड़ रहा है कि भैया 20,000 देनी, अभी और प्रयास में लागल बानी का। ये लोकतंत्र की ताकत है, इसीलिए पैदल चल रहे। आपको बताए कि अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा, तो कोई दल कोई नेता को गाली देने से आपके बच्चों की चिंता नहीं होगी। आपको अपने बच्चे के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं, खाली इतने समझा रहे हैं कि अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार